तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशर्म चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, शाओमी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, जिसकी बिक्री शुरू हो चुकी है 23 जुलाई से। और ये आपको मिल जाएगा flipkart.com पर या फिर मी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है mi.com, उससे आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसकी कीमत है केवल 1599 रुपए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है ये पैकेट। ये आया है मी की ऑफिशियल वेबसाइट mi.com से और इसके अंदर है मी का नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, करेंगे रिव्यू, देखेंगे क्या है इसके फीचर, क्या है इसकी कमियां, क्या है इसकी खूबियां, इन सब के बारे में तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसका करने वाला हूं गिव अवे और आप में से कोई एक लकी विनर जीत सकता है MI नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन। जी हां, इस ईयरफोन की मैं बात कर रहा हूं, इसका गिव अवे मैं करने वाला हूं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं कैसा है ये मी का नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि आपको मिलने वाला है। तो ये है मी का नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इसे फ्री में जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है। तो इसके बॉक्स पर हमें सारी डिटेल मिल जाती है, मी का लोगो आप देख सकते हो, साथ ही साथ मी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, 8 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम और डायनामिक बेस वॉइस असिस्टेंस, साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 हमें इसमें मिल जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बॉक्स के बैक साइड की अगर बात करें, यहाँ आपको प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, चार्जिंग पोर्ट, सारी डिटेल हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसका जो प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 1999, जबकि ये हमें मिल रहा है 1599। यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं, इंपोर्ट डेट देख सकते हैं, सारी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसे कर लेते हैं फटाफट ओपन और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये है मी का नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, लुक काफ़ी अच्छा है, पैकिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। इसे हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलती है एक USB केबल और इसको एसेसरीज हमें मिल जाती हैं। तो ये है इसकी यूज़र गाइड, मैनुअल है, यहाँ पर आपको सारे डिटेल दी हुई है, इसके कंट्रोल्स के बारे में आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। इसे हम रख देते हैं। USB केबल चार्जिंग के लिए दी हुई है, एक साइड है माइक्रो USB और दूसरी साइड है USB, तो इससे आप किसी भी अपने लैपटॉप से USB से इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ हमें ये ईयरबड्स मिल जाते हैं साइज के अकॉर्डिंग, 3 हमें मिलते हैं इसके साथ, 3 पेयर हमें मिल जाते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं ओपन। तो ये है मी का नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको ईजिली मोड़ सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये रबर है, बट ये रबर नहीं है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसके ऊपर रबर मटेरियल की कोटिंग हो रखी है। कंपनी का दावा है कि ये स्किन फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है, जिससे हमारे स्किन पर कोई भी दुष्प्रभाव या गलत इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो आप ईजिली इसे कॉलर पर बियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। इसमें हमें मिलता है ब्लूटूथ 5.0
और इसमें जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 10 मीटर्स तक की हमें रेंज मिल जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमें 8 घंटे का बैकअप मिल जाता है एक बार फुल बैटरी चार्ज करने पर, और इसकी बैटरी फुल चार्ज करने में केवल 2 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इसमें आपको वॉइस असिस्टेंस भी मिल जाता है जैसा कि कुछ मोबाइल्स में होता है, या फिर आप गूगल असिस्टेंट भी आप इससे यूज कर सकते हैं, यानी इससे आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। इसकी जो लेफ्ट आर्म है इस पर आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे नीचे जो आपको बटन दिख रहा है ये बटन है पावर ऑन ऑफ का, और इसी से हम इसे पेयर कर सकते हैं किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ। और इसके नीचे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा है, ये है माइक। और इसके जस्ट ऊपर आपको 2 बटन मिल रहे हैं, सबसे ऊपर वाला बटन वॉल्यूम अप और नीचे वाला बटन है वॉल्यूम डाउन। इससे हम वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ इन बटन्स की मदद से जो वॉल्यूम बटन है उससे हम ट्रैक को भी चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक भी हम इससे प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे प्लस का जो साइन है उसे हम अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा ट्रैक नेक्स्ट ट्रैक चेंज हो जाएगा, और अगर हम माइनस के बटन को कुछ लॉन्ग टाइम तक अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा पिछला ट्रैक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सबसे नीचे वाला बटन है स्टार्ट स्टॉप बटन जो है, इससे आप म्यूजिक को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे प्ले पॉज भी कर सकते हैं, इनकमिंग वॉइस कॉल भी हम इससे अटेंड कर सकते हैं। अब इसके इस साइड अगर आप देखेंगे नीचे की साइड में, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स के नीचे, यहाँ पर एक फ्लैप दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है माइक्रो यूएसबी पॉइंट है, ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, इससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जिंग पॉइंट है, इसके लिए किसी भी 5 वोल्ट के चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप अपने लैपटॉप से, जो आपका लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट है उससे अगर चार्ज करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो अब इसको हम यूज करके देखते हैं कैसा है ये ईयरफोन। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो इसका वेट मुझे काफी कम लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई परेशानी हो रही हो, काफी आरामदायक है, कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोनों साइड, यहां पर हमें मैग्नेट मिल जाती है, ये आप देख सकते हो ये मैग्नेट है, ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं जिससे ये बन जाता है एक तरह का लॉकेट। तरह से अगर हमने पहन रखा है और जब हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आप दोनों मैग्नेट्स को इस तरह से लगा सकते हैं, और ये आपका गंदा भी नहीं लगेगा, ऐसे इस तरह से आपके गले में ये आराम से पड़ा रहेगा। जब भी आपको यूज करना हो तो आप यहाँ पर इस तरह से लगाकर इसे यूज कर सकते हैं। इसको अपने मोबाइल फोन से पेयर करने के लिए आपको जो इसका सबसे नीचे स्टार्ट स्टॉप बटन है इसे प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, जब आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये LED ऐसे ग्लो करने लगेगी, इसका मतलब ये पेयरिंग के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को ऑन करना है और वहां पर सर्च करना है मी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, उसे हमें कनेक्ट कर लेना है, तो ये पेयर्ड हो जाएगा। पेयर होने के बाद आप इस पर कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो हमने इसको कर लिया है पेयर अपने मोबाइल फोन के साथ, और अब मैं इसमें कुछ भी म्यूजिक चला के देखूंगा और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो म्यूजिक प्ले हो रखा है, अब इसकी वॉइस क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, क्रिस्टल एंड क्लियर इसकी वॉइस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसमें बोला गया है कि इसमें डायनामिक बेस है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर बेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर आपको बेस पसंद है तो ये नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन आपके लिए नहीं है, आप Xiaomi के मी सुपर बेस ब्लूटूथ हेडफोन को परचेज कर सकते हैं। उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो पहली कमी जो मुझे इसके अंदर लगी, जैसा कि इसके अंदर बेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। दूसरा, MI के इस नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन में जो ये केबल है इसकी लेंथ को एडजस्ट करने की कोई भी यहाँ पर फीचर नहीं दिया गया है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड लेंथ है। जबकि बाकी बहुत सारे ब्लूटूथ ईयरफोन मार्केट में आ रहे हैं जिनके अंदर ये जो केबल है इसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर एक कमी है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, ये भी इसकी बहुत बड़ी कमी है। इसके अंदर मुझे 2-3 कमियां लगी जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बावजूद जो क्वालिटी है, जैसे बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप फिर भी इसे परचेज करना चाहो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ,
तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं इसका गिव अवे करने वाला हूं, तो आपको गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरा जो टारगेट है वो है 200 लाइक्स का। जब इस पर 200 लाइक्स आ जाएंगे और 200 कमेंट्स आ जाएंगे तब मैं इसका गिव अवे करूंगा, और वो भी बिल्कुल लाइव गिव अवे होगा कमेंट पिकर की हेल्प से, और वो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक अच्छा सा कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट केवल एक ही करना है। आपको दो दो तीन तीन कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार कमेंट करना है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना। और जैसे ही इस वीडियो पर 200 कमेंट्स और 200 लाइक्स पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका गिव अवे कर दूंगा, वो भी बिल्कुल लाइव होगा, आपके सामने होगा, कमेंट पिकर की हेल्प से मैं गिव अवे करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।